हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैंने घी बनाया था फ्रेंड्स, तो मैं घी को छान लूँगी और हम जो माइक्रोनी है वो घी में ही बनाएंगे। अब मैंने आपको ये घी जो है वो इसलिए दिखाया क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है वो जब मैं प्याज भून लूँगी तो आपको काली दिखने वाली है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये काली क्यों है, इसलिए इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ये मैंने प्याज जो है वो चॉप किया हुआ है। मैं चॉपर वाली वीडियो कि प्याज को कैसे चॉप करना है और सब्जियों कैसे चॉप करना है इसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। और ये मैं घी में फ्राई कर रही हूँ तो थोड़ा धुआं आ रहा है इसमें, और ये मेरे साथ में चाय भी बन रही है माइक्रोनी के साथ। अब प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज के साथ साथ मैंने बारीक हरी मिर्च भी काट रखा है, से टेस्ट और अच्छा हो जाता है। अब प्याज को बढ़िया से भून लेंगे। और ये मैंने बंद गोभी चॉप करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे हैं वो बंद गोभी प्याज सब्जी खाने में बहुत आनाकानी करते हैं, तो आप चॉपर की मदद से बारीक फाइन चॉप कर सकते हैं। इससे जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल भी ऊपर से नज़र नहीं आती हैं डाली हुई, और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अभी माइक्रोनी भी मैंने बॉयल कर रख के रखा हुआ है। अब मैंने इसमें बंद गोभी डाल दिया है। बंद गोभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसको थोड़ा फ्राई होने तक पकाएंगे। अब इसमें मैगी मसाला और हल्दी, थोड़ा मिर्च और स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डालिएगा। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखा, बच्चों को तीखा पसंद नहीं होता है, तो आप अपने अनुसार इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। माइक्रोनी जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा, मतलब जब कुछ भी खाने को मन है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये मेरा चाय भी साथ साथ बन गया है। और मैंने ये एक चम्मच सोया सॉस ले लिया है। सोया सॉस ऑप्शनल है, अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो आप बिना सोया सॉस के भी बना सकते हैं। सोया सॉस को डाल के थोड़ा इन मसालों को फ्राई कर लेंगे। अब मैंने इसमें पहले से बॉयल किया हुआ जो माइक्रोनी रखा हुआ था उसको डाल दिया है, और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब इसमें अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएंगे, होने तक इसको भून लेंगे। तो मेरा ये जो माइक्रोनी है वो अच्छे से भुन गया है। फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको चिली सॉस या रेड सॉस जो भी डालना है डाल सकते हैं स्वाद अनुसार। और ये और माइक्रोनी ये रेडी है सर्विंग के लिए। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लग रही है देखने में। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलती हूँ एक और वीडियो